हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बनाएंगे आलू का ऐसा नाश्ता जो खा के आपको मज़ा आ जाएगी। इसके सामने पिज़्ज़ा बर्गर सब फैले हैं और बहुत हेल्दी भी होता है। आप चाहो तो उसको टिफ़िन में कैरी करो या बच्चों को दे सकते हो स्कूल अगर जाते हैं तो, और या फिर आप शाम को भी खा सकते हो चाय के साथ। तो यहाँ चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आलू लिया है। आलू को अच्छे से धो लेंगे। और हाँ, अगर चैनल बनाया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। उसके बाद मैंने कद्दूकस कर लिया था। कद्दूकस करने के बाद इसको अच्छे से दो तीन पानी के साथ धो लेंगे जब तक पानी एकदम साफ़ ना हो जाए। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड किया था और फिर बेकिंग सोडा और उसके बाद थोड़ा मिर्ची और अदरक। और हाँ, अगर बेसन की जगह आप जो है एग भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुझे थोड़ा सा मोटा लग रहा था, मैंने फिर से थोड़ा सा बेसन ऐड कर दिया था। और इसका जैसे चीला बनाते हैं उसे थोड़ा सा मोटा बैटर रखना है। उसके बाद मैंने इस थोड़ा सा नमक ऐड किया। नमक ऐड करने के बाद हमारा बैटर एकदम तैयार है। अब मैंने यहाँ पे तवा लिया है। तवे को खूब अच्छे से गर्म करेंगे। तवा खूब तेज़ गर्म होना चाहिए। उसके बाद अच्छे से तेल फैला देंगे। फिर मैंने चीले को फैला दिया था और ये तुरंत टच नहीं करना जब तक थोड़ी सी साइड छोड़ने न लगे वरना टूट जाएगा। उसके बाद आराम से पलटेंगे और दोनों तरफ से तेल लगा के अच्छे से उसको दबा के सेक लेंगे ताकि अंदर से जो है कच्चा ना रहे। इसी तरह मैंने दो तीन बनाए थे। उसके बाद ये हमारा एकदम फटाफट से 5 मिनट वाला नाश्ता तैयार है। बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा और बहुत हेल्दी बनता है। आप चाहो तो एक बार ज़रूर ट्राई करना मेरे कहने पे। और बहुत जल्दी बन जाता है। ज़्यादा जैसे रोटी वगैरह बना तो बहुत टाइम लगता है। और हाँ, अगर चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू। गुड डे। बाय।